So hey guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you're having a great day and a great week. So guys, I'm back with yet another Movie Monday YouTube video. तो इस बार का मैं दो तीन पोल्स इंक्लूड करने वाली हूँ. आज हम सिर्फ एक ही पोल पे नहीं करेंगे. मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया और पोल्स भी इंक्लूड किए. एक क्वेश्चन मैंने रिसेंटली डाला था, पोल्स थोड़े से पहले के. तो आज मैं उन दोनों को इंक्लूड करने वाली हूँ वीडियो में. और आज हम उन पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं, उन पे रिव्यू देंगे. तो किस बात की देर है, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. हैंडल पे एक क्वेश्चन डाला था. मैंने डाला था, व्हाट्स द वन थिंग यू कांट लिव विदाउट. और मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आया, तो हम एक एक रिस्पॉन्सेज पे रिएक्ट करने वाले हैं. तो हमारे पास सबसे पहला रिस्पॉन्स आया है I_am_minister, और उन्होंने लिखा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. मे बी ये पढ़ाई करियर बिना नहीं रह सकते. मे बी ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, यू नो. जैसे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके लिए पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है. उसके बिना जी नहीं सकते. मतलब मैं पढ़े बिना जी सकती हूँ. आई एम ऑल्सो, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक दिन ना पढ़ लूँ तो मैं जी नहीं पाऊंगी. नो 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 नो. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिस्पॉन्स. जग्गा तनीषा, और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया माई सिस्टर एंड माई पेरेंट्स. यस ऑफकोर्स, हमारे जो फैमिली होती है उनके बिना दिन काफी सुना सुना सा लगता है यार. ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग है. अगर मेरे लिए पूछोगे तो मैं भी ये कहूँगी, माई एल्डर सिस्टर एंड माई पेरेंट्स. और मेरी एल्डर सिस्टर जैसे अभी कॉलेज में रहती है, अभी कोरोना वायरस की वजह से घर पर लकीली हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं. और फिलहाल वो फ्लैट में रहती है वहाँ पे नोएडा में, तो टाइम नहीं मिलता है हम दोनों को एक साथ, हम दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. तो तब बुरा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है अपने लाइफ में, वो तब कुछ कर भी नहीं सकते. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिस्पॉन्स, _Krishna_, उन्होंने लिखा है फूड. यस ऑफकोर्स, फूड के बिना मैं भी नहीं रह सकती. आई एम अ बिग फूडी, और मैं बहुत पिकी हूँ अपने खाने में. स्पेशली आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आप एक बिग फूडी हो. मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ और बहुत पिकी भी हूँ जो मैं खाती हूँ उसमें. उन्होंने एक बार फिर से हमें रिस्पॉन्ड किया एंड पेरेंट्स. ऑफकोर्स पेरेंट्स, तो उनके बिना रह ही नहीं सकते. सो गाइज, द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रॉम कशिश चुक डैड. ओह, सो वी हैव अ डैडीज प्रिंसेस ओवर हियर. आई एम ऑल्सो अ डैडीज प्रिंसेस. उनके बिना नहीं रह सकते. एक बार उन्हें जाना पड़ा था होम टाउन, और मैं उस टाइम जा नहीं पाई थी. वरना जब भी पापा ट्रैवल करते हैं हमारे होम टाउन, मैं हमेशा पक्का उन्हें अकम्पनी करती हूँ. पर एक बार ऐसे में स्कूल के रीजन से मैं जा नहीं पाई थी, और जितना टाइम पापा वहाँ थे और मैं घर पे अकेली थी या मम्मी के साथ थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं मन ही नहीं लग रहा था कि पापा चाहिए मुझे, उनको उनसे बात करनी है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिस्पॉन्स, इट्स _unicorn_lover10, और उनका रिप्लाई है फोन. सो वी हैव अ फोन एडिक्ट ओवर हियर. फोन के बिना एक दिन. ओके गाइस, कमेंट डाउन बिलो अगर आप चाहते हो कि मैं एक 24 hours चैलेंज करूँ फोन के बिना. देखते हैं कि मैं भी फोन के बिना सर्वाइव कर पाती हूँ या नहीं. एक्चुअली फोन तो नहीं, मेरी टैबलेट मुझे बहुत प्यारी है. टैबलेट के बिना मैं नहीं रह सकती एक दिन भी. तो यस, अगर आपको चाहिए कि मैं इंटरनेट ना यूज करूँ या फिर फोन ना यूज करूँ, 24 hours चैलेंज करूँ, तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई. अगर आपने बोला है तो मैं वो चैलेंज पक्का ट्राई करूंगी. द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रॉम टीना सिंह, एंड उन्होंने लिखा है माई पेरेंट्स एंड माई फोन. ओके, सेम रिस्पॉन्स, फैमिली एंड फोन एडिक्ट. सो गाइज, द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रॉम Riya2507206, माई क्लोज वंस एंड फूड. आई एम प्रिटी श्योर शी वॉन्टेड टू से माई क्लोज वंस, जो उनके क्लोज है उनकी फैमिली है एंड फूड, या ऑब्वियसली पेरेंट्स एंड फूड. सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द पोल्स. सो मूविंग ऑन टू द पोल्स, मैंने काफी सारे पोल्स डाले थे, और मैंने दिस और दैट के पोल्स डाले थे. तो सबसे पहला पोल जो मैंने डाला था अपनी इंस्टा स्टोरी पे वॉज कि कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है ज़्यादा. और कॉफ़ी पे आए हैं 75% वोट्स, और टी पे आए हैं 25% वोट्स. अगर आप मुझसे पूछो तो आई एम एन कॉफ़ी एडिक्ट. बीच में इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गया था कि मैं हर रात को कोल्ड कॉफ़ी पीती थी, पर बीच में फिर मुझे
लाइक ब्रेक करना पड़ा. लाइक मैं टीवी पी लेती हूँ, पर अगर कोई मुझसे पूछे इन दोनों में चूज करने के लिए तो 100% इट्स कॉफी. ओके, सो नेक्स्ट पोल जो मैंने डाला था वो था चीटोज या डोरिटोज. तो चीटोज को मिला है 56% और डोरिटोज को मिला है 44%. अब आप मुझसे पूछोगे तो इट्स डिफिकल्ट क्योंकि दोनों बहुत अच्छे होते हैं, पर आई गेस मैं भी चीटोज ही चूज करूंगी बिकॉज टेस्ट मुझे चीटोज का लाइक दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, पर अगर लाइक मैं बहुत 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 ध्यान से सोचूं तो मे बी आई विल चूज लाइक चीटोज. सो द नेक्स्ट पोल इज मूवीज और सीरीज. सो सीरीज को मिले हैं 64% एंड मूवीज को मिले हैं 36%. अगर आप मुझसे पूछो तो मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर अगर आप मुझे चूज करने को बोलो मूवीज या सीरीज में तो आई विल चूज सीरीज क्योंकि लाइक ऐसा लगता है मुझे ना लंबी चीजें देखना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, जबकि सस्पेंस उनमें ज्यादा होता है, पर फिर भी मुझे लाइक सीरीज बहुत पसंद है और जो ट्विस्ट आते रहते हैं उसमें एंड ऑल दैट. तो मुझे आई गेस अगर कोई मुझे पूछे मूवी और सीरीज में आप कौन सा प्रेफर करोगे तो आई विल श्योरली 100% चूज सीरीज. ओके, सो द नेक्स्ट पोल वॉज कोका कोला और पेप्सी. कोका कोला को मिले हैं 88% वोट्स और पेप्सी को मिले हैं 12% वोट्स. अगर आप मुझसे पूछोगे तो बचपन से मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एलर्जिक हूँ उससे, यानी बट आई हेट कोल्ड ड्रिंक्स, आई हेट ऑल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. मैंने लाइक अगर कोई मुझे पिला दे मैं पिला ही नहीं सकता, मैं वहां से भाग जाऊंगी. मैं आज तक किसी ने पिलाई नहीं और ना ही मैं पीती हूँ, तो इसमें मैं चूज तो नहीं कर सकती, पर लोगों ने बोला है कोका कोला, सो लेट्स गो विद दैट. सो द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट नेटफ्लिक्स और प्राइम. तो नेटफ्लिक्स को मिले हैं 67% एंड प्राइम को मिले हैं 33%. तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने दोनों की मेंबरशिप लेके देखी थी, नेटफ्लिक्स की भी और प्राइम की भी. तो वैसे अगर लाइक आप कंपेयर करने को बोलोगे प्राइम में लिमिटेड ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से और लाइक मेरे टेस्ट के हिसाब से जो लाइक सीरीज या मूवीज मुझे पसंद है, और नेटफ्लिक्स में और ज्यादा ऑप्शंस है, वैरायटीज है. तो आई गेस मेरे लिए तो मैं नेटफ्लिक्स ही चूज करूंगी अगर आप मुझे पूछोगे कि प्राइम या नेटफ्लिक्स में. बट नेटफ्लिक्स में आई गेस मोर बॉलीवुड का उतना कंटेंट नहीं होता, प्राइम में आपको ज्यादा बॉलीवुड मिल जाएगा. तो अगर आपको ज्यादा बॉलीवुड देखना है तो मे बी आप प्राइम चूज कर सकते हो, पर मेरे लिए आई विल चूज नेटफ्लिक्स. ओके, सो द नेक्स्ट पोल वॉज स्नैपचैट और इंस्टा. एंड इंस्टा को मिले हैं 86% एंड स्नैपचैट को मिले हैं 14%. ओके, इंस्टा पे सारे इंस्टा को वोट कर रहे हैं. अगर आप मुझसे पूछो तो स्नैपचैट के फिल्टर्स बहुत अच्छे होते हैं इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है, पर अगर मुझसे पूछो तो आई विल रैदर यूज इंस्टा देन स्नैपचैट बिकॉज इंस्टा मैं ज्यादा चलाती हूँ एक्चुअली स्नैपचैट से. सो दीज वर ऑल द पोल्स एंड क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो बी श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको सोशल अकाउंट्स को फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और मेरी इंस्टाग्राम आई डी यहाँ पे कहीं आई रही होगी, मे बी स्क्रीन पे ये मे बी यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी. So until next time, goodbye.